अखाड़ा में अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की और उसी से जुड़ी हुई खबर आ रही है। 31 दिसंबर को हुए कीव के हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कीव के नेशनल पैलेस के पास ड्रोन अटैक साफ देखा जा सकता है। नए साल से पहले हुआ था यह बड़ा हमला। ये देखिए, ये है वो तस्वीरें, कीव के पैलेस के आसपास ड्रोन्स का अटैक सामने सीसीटीवी फुटेज में कैद है, जहां पर इमारतें हिल गई। ये इंपैक्ट था कि शीशे टूट गए आसपास के इमारतों के और दरवाजे खड़खड़ाने लगे। लेकिन आप पहली तस्वीर देखेंगे जहां ये इंपैक्ट साफ दिखता है सीसीटीवी फुटेज में, जिसकी वजह से दीवारों को नुकसान भी होता है। अब 2023 नए साल में भी यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना जबरदस्त आक्रामक दिख रही है। कहीं ना कहीं ये इंटेंसिटी बढ़ती हुई लग रही है और जनवरी में कुछ ज्यादा ही ज्यादा इंटेंस हो सकता है ये हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बदले में रूस की सेना ने यूक्रेन में बारूदी तबाही मचाई है, जिसमें अमेरिकी हाईमार्स को तो नुकसान पहुंचा, साथ ही यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का भी दावा रूस कर रहा है। केलर मिसाइलों की गूंज, फाइटर जेट की धमक, घायल टैंकों का दम, उड़ते ड्रोन का कहर, बारूदी बंकर में जिंदगी की जद्दोजहद। यूक्रेन में नए साल पर भी तबाही की तस्वीर पुरानी ही है। रूस के बारूदी गोदाम में रखे दुश्मनों का नामो निशान मिटा देने वाले किलर वेपन यूक्रेन को बारूदी गुबार से ढक रहे हैं। घर, शहर, बस्तियां सब राख करते रहे हैं। तूफानी रफ्तार से गिरती अनगिनत मिसाइलें यूक्रेन के मुस्तकबिल को लिख रही हैं और यूक्रेन साथी देशों के दम पर मैदान में रूस से दो दो हाथ कर रहा है। रूस की मीडिया ने दावा किया है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोज दो इलाके में यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन के अटैक पर रूस का पलटवार घातक है। ज़ेलेंस्की के बारूदी गोदाम में नेटो के वो हथियार हैं जिसकी बदौलत आज 10 महीने बाद भी यूक्रेन महायुद्ध के मैदान में टिका है। लेकिन हर दिन रूस के दावे यूक्रेन के जवानों का जोश कम कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस की सेना ने यूक्रेन को अमेरिका से मिले हाइमर्स को तबाह कर दिया है। दावा है कि इस हमले में यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई। जंग की शुरुआत से रूस के घातक हथियार यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। अपने हिस्से की जर्रा बराबर जमीन भी रूस खोना नहीं चाहता है। महायुद्ध में जिस मोर्चे पर रूस कमजोर दिखता है, वहां घातक हथियारों से रूस की सेना आतंक मचा देती है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक ही नहीं, वहां के आम नागरिक के भी कब्रगाह तैयार हो जाती है। ऐसे में दुश्मन देश से निपटने के लिए ज़ेलेंस्की नए साल पर भी साथी देशों से घातक हथियार की मांग कर रहे हैं। Що теперішні господарі Росії кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. युद्ध की शुरुआत से ही नेटो देश अपने हिस्से का बारूद यूक्रेन को दे रहे हैं, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की के जांबाज युद्ध क्षेत्र में डटे हुए हैं। गोला बारूद से लेकर रसद तक यूक्रेन को सब कुछ मिल रहा है। Говорив з прем'єр-міністром Канади. І це четверта міжнародна розмова за сьогодні. Прем'єр-міністр Нідерландів, прем'єр-міністр Британії, прем'єр-міністр Норвегії і ось Джастін Трюдо. Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз, напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористом. Саме зараз той момент, коли разом з партнерами ми маємо посилити нашу оборону. रूस की सेना आक्रामक है, सटीक निशाने वाली तोप की गरज से यूक्रेन को मात देना चाहती है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को बारूदी बारिश के लिए अपने गोदाम की ताकत बढ़ानी होगी।
अब इसी युद्ध से जुड़ी एक और खबर आ रही है। रूस ने 24 घंटे के भीतर अपने 63 सैनिकों की मौत का बदला ले लिया है। डोनेट्स्क में जबरदस्त स्ट्राइक कर रूस ने एक साथ यूक्रेन के 120 सैनिक मार दिए हैं। साथ ही अमेरिका के 2 हाईमार्स समेत कई विदेशी हथियार राख का ढेर कर दिए। तिरसठ के बदले 120 संहार। यूक्रेन की सेना पर पुतिन का प्रचंड प्रहार। रूस के एक सैनिक के बदले यूक्रेन के 2 सैनिकों की गई जान। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों की तरफ ताबड़तोड़ गोले दागे जा रहे हैं। रूस के तोप हर सेकंड आग के गोले बरसा रहे हैं। आसमान से भी रूस के ड्रोन और फाइटर जेट्स तबाही वाले बम बरसा रहे हैं। ऐसे में डोनेस्क में जेलेंस्की के सैनिक बुरी तरह से फंस गए। पुतिन के इस प्रचंड प्रहार से यूक्रेन के 120 सैनिक एक साथ मारे गए। रूस की मिलिट्री की ओर से दावा किया गया है कि डोनेस्क में यूक्रेन के 120 सैनिकों की सामूहिक कब्र बनाकर रूस ने एक दिन पहले मकीवका में उसके 63 सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। दरअसल सोमवार को यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर सबसे भीषण हमला किया था। इस हमले में रूस के 63 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। विदेशी हथियारों ने रूस के सैन्य ठिकानों पर इतना घातक हमला किया कि सैनिकों को संभालने तक का मौका ही नहीं मिला। मंगलवार को रूस ने यूक्रेन की जमीन पर अपने 63 जवानों के मारे जाने की पुष्टि की थी। उसके 24 घंटे के भीतर पुतिन की फौज ने उसी डोनेस्क में यूक्रेन की फौज का 2 गुना नुकसान किया है। इस दौरान रूस की एयर स्ट्राइक में जेलेंस्की के कई विदेशी हथियार भी जलकर राख हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता इगोर कोनोशेंको ने दावा किया कि उसके हमले में 2 हाइमर्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, 4 चेक निर्मित RM-70 वैम्पायर मल्टीपल रॉकेट अटैक व्हीकल, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के 800 से ज्यादा रॉकेट और 6 ऑटोमोबाइल जलकर राख हो गए। Подружківці завдали 2 ударів з ракетного комплексу «Іскандер». Пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. Одна людина загинула, ще одну поранено. रूस यूक्रेन की जंग में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें एक तरफ अमेरिका का बेजोड़ हथियार हाइमर्स है तो दूसरी तरफ रूस का टॉर्नेडो है, जिसे हाइमर्स से बेहतर बताया जाता है। इस जंग में अमेरिकी हाइमर्स ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के पास इसकी 20 यूनिट मौजूद है। वहीं रूस के MLR हथियारों ने भी यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना दिया है। Херсонська область. 79 обстрілів з мінометів, РСЗВ, артилерії та танків. Загинуло 2 людей, 9 поранено. У Херсоні є влучання у житлові квартали. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस से बढ़कर यूक्रेन दिनों दिन बर्बाद होता जा रहा है। यूक्रेन को जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। गांव और शहर उजाड़ होते जा रहे हैं, लेकिन आजादी की कीमत पर यूक्रेन को इतना नुकसान सहना मंजूर है, लेकिन रूस के झंडे के नीचे सांस लेना बिल्कुल नहीं।